मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल एयरपोर्ट पर एक ही रनवे पर एक ही समय में दो विमान आ गए, जिस वजह से दोनों एक दूसरे से टकराते टकराते बच गए। इस हादसे से पूरे एयरपोर्ट में सनसनी फैल गई थी। हालांकि सूझबूझ से इस हादसे को टाल दिया गया। भोपाल स्थित वैष्णवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें 40 से ज्यादा कंपनी एवं 1500 से ज्यादा विद्यार्थी प्रदेश के विभिन्न कोनों और संस्थानों से सम्मिलित हुए। नेक्स्ट, एमपी नगर में लाल बस में सफर करने के दौरान मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया है। यहां बोर्ड ऑफिस चौराहे पर नितिन साहू पर हमला किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रतिदिन हो रही रेत के अवैध परिवहन पर कुरवाई राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रेत का अवैध परिवहन करते हुए कुरवाई राजस्व विभाग ने दादूदार के पास मल्हारगढ़ रोड पर 3 डंपर और एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। यह मामला विदिशा जिले के कुरवाई मल्हारगढ़ रोड का है। दिल्ली में हो रहे शपथ ग्रहण को लेकर दिल्ली मेट्रो की सेवा को बाधित कर दिया गया है। बता दें कि केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास गेट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध है। उमरिया मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए आह्वान किया गया है। बताया गया कि उनकी कुछ मांगे पूरी नहीं करने की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया है। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड में सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया है। अब झारखंड में 15 जून तक सुबह 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ही स्कूल संचालित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में प्री मानसून की एक्टिविटी तेज हो गई है। यहां कई जिलों में तेज बारिश हो रही है तो कहीं गर्मी ने अपने प्रचंड रूप से लोगों पर कहर ढाया हुआ है। कुछ जिलों में बारिश होने की वजह से वहां गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश की नर्सिंग कॉलेज में हुए घोटाले को लेकर विवाद काफी बढ़ चुका है। बता दें कि इस घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन लगातार इस घोटाले को लेकर प्रदर्शन जारी है। एमपी के युवा खेल और कल्याण मंत्री विश्वास सारंग का बंगला घेराव करने पहुंचे, जहां पुलिस और लोगों के बीच मुठभेड़ हो गई। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उद्योगपति मुकेश अंबानी भी पहुंचे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी पहुंचे। बता दें कि सारे विदेशी मेहमान भी अब कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। इस भीषण गर्मी में दिल्ली में जल संकट को लेकर जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मोनक के पानी पर निर्भर है। अगर पानी की मात्रा नहीं बढ़ाई गई तो कुछ दिनों में दिल्ली में जल संकट पैदा हो जाएगा। भोपाल के एमपी नगर में रविवार दोपहर महाराणा प्रताप की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के दौरान क्रेन टूट गया। क्रेन के टूटने से हड़कंप मच गई और हादसे में पार्षद सहित 3 लोग घायल हो गए। सीहोर जिले के आष्टा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सबसे बड़ी एथेन क्रेकर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में 20,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा और यह मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा निवेश है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के चितरंगी बाजार में एक चोर एक मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखे 20,000 रुपए निकालकर फरार हो गया। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोर की छानबीन में जुट गई है। केंद्र सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर मंत्री बने। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। गौरतलब है कि सिंधिया 5वीं बार सांसद बने हैं और वे पहली बार भाजपा से चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंचे हैं।